Hi everyone, I'm Neetu Gail and today we discuss on the C language mein variable kaise declare karte hai, usko baat karte ki how we declare the variable in C language. So baat kar lete hai. Every variable need to be declared before it is used in the program. A declaration provide the compiler with the information about how many bytes in the memory should be allocated for the variable. इसमें क्या है कि कोई भी variable declare करने से पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं किसी भी प्रोग्राम में उसको यूज करने से पहले ए डिक्लेरेशन प्रोवाइड द कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कितनी इन्फॉर्मेशन उसने यूज करनी है. तो वेरिएबल डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ ए डेटा टाइप वन और मोर वेरिएबल एंडिंग विद ए सेमीकोलन. तो इसकी फॉर्मेटिंग क्या होती है, पहले डेटा टाइप यूज किया जाता है, फिर आइडेंटिफायर यूज किया जाता है, उसको फिर सेमीकोलन से डिवाइड किया जाता है. तो देख लेते हैं कि कैसे इसको डिफाइन करते हैं. तो जैसे मैंने यहाँ यूज किया इंट टाइप का, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करते हैं, जैसे इस टाइप से डिफाइन करते हैं इंट टाइप का. ए इंट से क्या है कि इंटीजर टाइप का डेटा है और जो ए है वेरिएबल है वो कैसी वैल्यू लेगा, इंटीजर टाइप की. इंटीजर टाइप की मतलब होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से. और जब मैं यूज करूं कि टू वेरिएबल यूज करना चाहती हूँ तो टू वेरिएबल के लिए कोमा लगा के बी फिर उसको सेमी कोलन से एंडिंग कर दूं, एक ये डिक्लेरेशन होती है. इस ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी बजाय हम अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं. जैसे हमें इंट ए सेमीकोलन और इंट बी सेमीकोलन, इस तरीके से भी हम अलग अलग यूज कर सकते हैं. अलग ना यूज करके हम एक सिंगल लाइन में, जैसे यहाँ यूज किया गया, एक सिंगल लाइन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं. तो डिपेंड ऑन आवर चॉइस कि हम कैसे इसको यूज करना चाहते हैं, वो इसमें हम यूज कर सकते हैं. तो आगे बात कर लेते हैं कि जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है उसमें कितनी थिंग्स यूज की जाती है. कॉन्स्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है, कीवर्ड होता है. हाउ टू चूज इट डेटा टाइप, फिर बात आती है कि हमें डेटा टाइप कैसे यूज करना चाहिए, हमें पता कैसे चलेगा कि इसका कौन सा डेटा टाइप यूज करे. जैसे कि काफी सारे प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग में हमें कैसे पता चलता है कि इसको इंटीजर ले, फ्लोट ले, या डबल ले, या कैर ले, क्या ले. तो उसके लिए पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या होता है, कैसे करते हैं. जैसे मैं बोलूं कि टोटल स्टूडेंट इन ए क्लास, तो इससे क्या आता है मन में, क्या कभी स्टूडेंट फ्रैक्शन में हो सकता है, तो फ्लोट में हम इसको नहीं ले सकते, या करैक्टर में ले सकते हैं. करैक्टर में कभी देखा है कि जो नंबर होंगे वो करैक्टर में होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ऑलवेज इन इंटीजर वैल्यू. तो इसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑलवेज डिफाइन एज ए इंट स्टूडेंट, इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे. कुछ भी नाम दे सकते हैं, स्टूडेंट देने के बजाय हम इसको क्या कर सकते हैं, इंट एस के नाम से डिफाइन कर सकते हैं. ऐसे जैसे इसको क्या डिफाइन करेंगे, इस टाइम हम क्या पढ़ रहे हैं कि कैसे चूज करते हैं डेटा टाइप. तो स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या डिफाइन होता है कि इंटीजर टाइप का डेटा लेना है, तो इंट स्टूडेंट आएगा. हाइट ऑफ स्टूडेंट, अब हाइट की बात करते हैं, हाइट तो फ्रैक्शन में भी हो सकती है, पॉइंटेड में होती है कि 5.2 है, 5.3 है, इस तरीके से हाइट भी तो हो सकती है. तो उसके लिए एक कौन सा डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, फ्लोट यूज कर सकते हैं, डबल यूज कर सकते हैं, और लॉन्ग भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, फ्रैक्शन नंबर लेता है. लेकिन इसमें हमें देखनी है कि हाइट कितनी हो सकती है, क्या इस ये ज्यादा मेमोरी लोकेशन लेगा, नहीं. तो इसके लिए क्या है, डेटा टाइप यूज करेंगे हम, फ्लोट डेटा टाइप यूज करेंगे, क्योंकि डबल यूज करेंगे तो 8 बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, फ्लोट करेंगे तो 4 बाइट की ऑक्यूपाई करेगा. तो इसके लिए लेस मेमोरी यूज हो ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छे से रन हो, लेस मेमोरी ऑक्यूपाई करे. तो इसके लिए क्या डेटा टाइप यूज करेंगे, फ्लोट टाइप की हाइट यूज करेंगे यहाँ पे हम. और फिर बात करते हैं नेक्स्ट पे, ये अब है एक्सक्लेमेशन मार्क्स. अब एक्सक्लेमेशन मार्क्स कोई भी मार्क सिंबल यूज करना है तो उसके लिए ऑलवेज यूज किया जाता है करैक्टर. तो इसके लिए कैर नाम का लेंगे, जैसे कैर नाम से ए डिफाइन कर दिया, कैर नाम का ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू रख देंगे. तो इसमें क्या होता है, और क्योंकि जो एस की कोड होते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, तो उसमें करैक्टर ही होता है जो न्यूमेरिकल और करैक्टर या जो सिंबल होते हैं उनको यूज करते हैं. तो इसके लिए जो भी कोई सिंबल आता है तो सिंबल के लिए ऑलवेज वी यूज द कैर.
क्या डेटा टाइप यूज किया जाता है. नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं या कैर. अब तक हमने स्ट्रिंग नहीं पढ़ा तो हम स्ट्रिंग छोड़ के चलते हैं, तो यहाँ पे मान के चलते हैं इसके लिए हम कैर डाटा टाइप लेंगे. अब बात करते हैं, वैसे तो इसका स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग की हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब बात करते हैं, वी कैन बी डिक्लेयर असाइन ऑफ सम कॉन्स्टेंट टू ए वेरिएबल एट ए सेम टाइम. तो इसमें क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल एक टाइम पे यूज कर सकते हैं, इसमें असाइन और डिक्लेयर कर सकते हैं. तो कैसे, इसको इनिशियलाइज करते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एस, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं. जैसे मैंने इंट टाइप का एस नाम का एक वेरिएबल लिया है, ठीक है, और उसको क्या वैल्यू दी है, एस को मैं 3 वैल्यू डिफाइन करूंगी. तो इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, ये 2 स्टेटमेंट में आया है. और इसको और कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, जो ये सिंबल यूज किया जाता है इक्वल साइन, इसको इनिशियलाइजेशन बोला जाता है. सी लैंग्वेज में इसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, इनिशियलाइजेशन की एस को 3 वैल्यू इनिशियलाइज की गई है, असाइन की गई है. असाइन ऑपरेटर भी इसको बोला जाता है. तो इसमें क्या है, ये 2 टाइम यूज किया गया इनिशियलाइज करते हुए. इसकी बजाय मैं इसको कैसे भी यूज कर सकती हूँ, एक लाइन में यूज करना, तो इंट एस इज इक्वल टू 3. तो इस तरीके से एक लाइन में भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ. अब बात करते हैं कि पहले क्या था, इन अर्ली वर्जन ऑफ द सी वेरिएबल हैड टू बी डिक्लेयर्ड द बिगनिंग ऑफ ए ब्लॉक. बिगनिंग में यूज किए जाते थे. इन सी 99 इट इज अलाउड टू मिक्स द डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट. तो 99 की जो सी आई थी उसमें क्या था, स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन दोनों मिक्स करके लिख सकते हैं, बट डूइंग सो इज नॉट यूजुअली बिकॉज इट इज रियली अननेसेसरी, सम कंपाइलर स्टिल डज नॉट सपोर्ट सी 99. तो क्या होगा कि भाई जब मिक्स करके उनको यूज करने लगे तो कुछ कंपाइलर्स को पोर्ट करते हुए, उसको सपोर्ट नहीं करते थे. पोर्ट करके जब उसको पोर्ट किया जाता दूसरे कंप्यूटर में उसको रन करते थे तो उसको दोबारा कंपाइलर करने की जरूरत होती थी. तो इसलिए इसमें एरर थी, ये अननेसेसरी लगा, ये अच्छे से नहीं हुआ. तो उसके बाद डिक्लेरेशन का मेथड आया, तो वो मेथड देख लेते हैं क्या. आफ्टर डिक्लेरेशन वेरिएबल यू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल लेटर ऑन यूजिंग अ स्टेटमेंट लाइक दिस. तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो असाइन ए वैल्यू द वेरिएबल ऑफ द अनदर वेरिएबल. तो क्या, एक बार एक को असाइन कर दी, जैसे मैंने एस को 3 वैल्यू दे दी, तो अभी ये वैल्यू मैं किसी और को भी दे सकती हूँ. जैसे मैं लिख दू ए इज इक्वल टू एस. तो इसका मतलब क्या है, जो एक ये जो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी वो क्या करेगी, एस की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी. तो एस कितना, एक्स 3 है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए और एस की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है. आई होप यू अंडरस्टैंड. जैसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे मैंने क्या किया है, एस बी और सी को, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम तीनों को अलग अलग मेमोरी दे सकते हैं. इस तरीके से भी इसको शो किया जा सकता है, या फिर हम इसको कैसे शो कर सकते हैं. जैसे मैं इसको डिफाइन करूँ, इंटर टाइप का एक एस ले लिया, उसको मैंने 3 वैल्यू दे दी, फिर एक वेरिएबल ले लिया एस नाम से, बी नाम से इंटीजर टाइप का ही एक बी वेरिएबल ले लिया, और वो अब क्या करूं, बी को कौन सी मेमोरी दे दूं, एस की मेमोरी दे दूं. इसका मतलब भी क्या है, बी कितनी वैल्यू होल्ड कर रहा है, बी 3 वैल्यू होल्ड कर रहा है. जब आप प्रैक्टिकली करोगे तो आपको ये सब आसान लगेगा, बहुत ही ईजी होता है ये सब, कोई इतना मुश्किल नहीं है. तो इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो तीनों को इक्वल साइन लगा के, या इस तरीके से वी कैन बी डिफाइन इट इन एनी वे. अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट की. कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट नाम से ही क्लियर है कि फिक्स, जो चीज फिक्स होती है. कॉन्स्टेंट इज ए वैल्यू रिटन इन टू ए प्रोग्राम स्ट्रक्चर दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम. जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है उस टाइम पे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये फिक्स होती है, उसको बोला जाता है कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट को भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. तो देख लेते हैं कौन कौन से है. जो कॉन्स्टेंट है उसको किस में डिवाइड करते हैं, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट, करेक्टर कॉन्स्टेंट, सिंबल कॉन्स्टेंट, इस तरीके से इनको डिफाइन किया जाता है. इनको वन बाई डिस्कस करेंगे. फिर जो न्यूमेरिकल है उसको फिर आगे डिवाइड किया जाता है, इंटीजर, फ्लोट, ऑक्टल और हेक्सा. डिटेल में पढ़ लेते हैं पहले स्ट्रिंग के बारे में. ए स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट इज सिक्वेंस ऑफ अल्फाबेट करेक्टर इनक्लोज इन ए डबल कोटेशन मार्क्स. द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट इज लिमिटेड टू 255 करेक्टर. तो क्या होता है,
जो स्ट्रिंग है वो किस में लिखी जाती है, ऑलवेज राइटन इन ए डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर इसको लिखा जाता है और इसकी लिमिटेशन होती है कि कितने करेक्टर होल्ड कर सकते हैं, 255 करेक्टर होल्ड कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है कि हम स्ट्रिंग को कैसे यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग डिफाइन करने के लिए स्ट्रिंग वर्ड यूज किया जाता है, स्ट्रिंग एस इस तरीके से, फिर एस को हम वैल्यू दे देंगे, जैसे एस इज इक्वल टू हेलो या रेम, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब करते हैं न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट के। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट क्या होता है? न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट हैज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू इन ए नंबर। द नंबर ऑफ द कॉन्स्टेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। द फोर टाइप ऑफ द कॉन्स्टेंट, तो न्यूमेरिकल नंबर क्या होते हैं? वो पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब होल नंबर जो यूज किए जाते हैं उनको न्यूमेरिकल वैल्यू बोला जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं इंटीजर कॉन्स्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, ऑक्टल और हेक्सा कॉन्स्टेंट। इंटीजर कॉन्स्टेंट आर द होल नंबर। इंटीजर कॉन्स्टेंट की बात करेंगे, जितने भी होल नंबर है माइनस से लेके जीरो प्लस जो भी आएंगे वो होंगे इंटीजर। इंटीजर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो एग्जांपल दे रखे ये ऑल आर इंटीजर डेटा टाइप। अब बात करते हैं फ्लोट। फ्लोट जो होते हैं फ्रैक्शन में नंबर यूज किया जाता है उसको फ्लोट बोलते हैं। ए फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट हैज ए रियल नंबर, इट मे बी रिटन इन टू फॉर्म कॉल्ड फ्रैक्शन फॉर्म एज 0.4 एंड अदर इज एक्सपोनेंट फॉर्म सच एज फॉर। जो इसकी टू कैटेगरी टाइप से इसको यूज करते हैं फ्लोट को, एक तो 0.0 लगा के 4 लिख दिया, या पॉइंट की बजाय क्या लिख दिया, ई यूज कर दिया। ई मीन्स क्या होता है? एक्सपोनेंट, और इसको कैपिटल और लोअर दोनों में यूज कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट इज द एक्सपोनेंट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ ए मेंटिसा एंड एन एक्सपोनेंट। द मेंटिटा मेंटिसा मेंटिशा मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट, जो मेंटिशा उसमें कम से कम एक डिजिट जरूर होनी चाहिए। इट मे आल्सो हैव ए नेगेटिव साइन, ये चाहे एक नेगेटिव साइन भी हो सकता है। द मेंटिसा इज फ्लोट बाय द लेटर ई और ई, कैपिटल ई हो सकता है या लोअर ई हो सकता है। एंड द एक्सपोनेंट मस्ट बी एन इंटीजर, जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए? ऑलवेज इंटीजर होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑक्टल कॉन्स्टेंट। ऑक्टल कॉन्स्टेंट नाम से क्लियर है जिसका बेस कितना होता है, 8 बेस होता है, और जिसमें डिजिट कितनी यूज की जाती है, 0 से 7 डिजिट इसमें यूज की जाती है, और माइनस प्लस दोनों इसमें यूज कर सकते हैं। इन ऑक्टल इज रिटन बाय प्रेसिंग द वैल्यू विद डिजिट 0। जो ऑक्टल नंबर है ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगा। ये मोस्टली इसमें नोट डाउन करने वाली बात है कि जो ऑक्टल नंबर है किससे स्टार्ट होता है, 0 से, जैसे 0.3, 0.1 नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। 0 से 7 के बीच में डिजिट होगी और इसका बेस कितना होगा, 8 होगा। हेक्सा कॉन्स्टेंट ऑलवेज लाइक एज ए ऑक्टल, सिर्फ इसमें क्या होता है कि इसका बेस कितना होता है, 16। हेक्सा का मतलब क्या होता है, 60, तो इसका बेस कितना होता है, 60 होता है। ये जो नंबर होते हैं उसमें 0 से 7 होते हैं ऑक्टल में, और इसमें होते हैं 0 से 9, और अल्फाबेट होते हैं ए टू एफ। ए की वैल्यू होती है 10 और एफ की वैल्यू होती है 16, तो ये टोटल 16 वैल्यू यूज की जाती है। और माइनस प्लस साइन इसमें भी यूज कर सकते हैं, और इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो एक्सेस रो होती है, जहाँ भी आपको 0x मिलेगा या 0X मिलेगा वही समझ लेना ये क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। तो जैसे ये शो कर रखा है। अब करेक्टर कॉन्स्टेंट। करेक्टर कॉन्स्टेंट का मतलब है कि करैक्टर अल्फाबेटिकली नंबर होंगे या स्पेशल सिंबल होंगे, या तो उसको सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो यूज़ किए जाएंगे उनको बोला जाता है करैक्टर कॉन्स्टेंट। तो करैक्टर कॉन्स्टेंट जैसे ए, कैपिटल ए या कोई सिंबल सिंगल कोटेशन के अंदर है वो क्या होंगे, एक करैक्टर कॉन्स्टेंट होंगे। फिर है सिम्बोलिक कॉन्स्टेंट। सिम्बोलिक कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं? सिम्बोलिक कॉन्स्टेंट ए लिटरल कॉन्स्टेंट इन द वैल्यू दैट इज टाइप डायरेक्टली इन टू द सोर्स कोड वेन एवर इट इज नीडेड। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको भी सोर्स कोड में जब यूज हो तभी उसको हम यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ इसको एक बार डिफाइन किया जाता है, उसके बाद हम कितनी भी बार इसको यूज कर सकते हैं। सिम्बोलिक कॉन्स्टेंट ऑल्सो डज नॉट चेंज वैल्यू वैन यू नीड द कॉन्स्टेंट वैल्यू इन द प्रोग्राम, यू यूज इट्स नेम एज यू वुड यूज ए वेरिएबल नेम। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सिम्बोलिक कॉन्स्टेंट नीड टू बी एंटर्ड ओनली वंस वैन इट इज फर्स्ट एंड डिफाइन। जो फर्स्ट टाइम इसको डिफाइन कर देते हैं उसके बाद इसको हम यूज कर लेते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं सिम्बोलिक? तो इसके लिए हैस
डिफाइन सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट का नेम वैल्यू, जैसे हैज डिफाइंड पाई, पाई की वैल्यू मैंने इतनी डिफाइन की है, तब मुझे बार बार इसको जब प्रोग्राम में यूज करूंगी तो पाई की वैल्यू डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका नाम यूज करूंगी पाई और ये इसकी ऑटोमेटिकली यहाँ से वैल्यू उठा लेगा कि वैल्यू कितनी है, 3.14 है। अब बात करते हैं सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज क्यों किए जाते हैं, सिंबॉलिक कांस्टेंट के एडवांटेज क्या होती है। पहली एडवांटेज तो क्या है, इफ यू वांट टू यूज ए वर्ड मोर देन इन ए प्रोग्राम देन यू कैन डिफाइन इट ओनली वन टाइम एंड कैन बी रीयूज इट एनी टाइम विदाउट टाइम वेस्ट। तो क्या है, जैसे एक वर्ड है आपके प्रोग्राम काफी लंबा है, काफी बार जैसे एरिया डिफाइन कर दिया कि एक एरिया है उसको हमें बार बार यूज करना है, तो एरिया किसी भी प्रोग्राम का एरिया डिफाइन कर दिया, पहले उसको डिफाइन कर लेंगे तो हम बार बार उसको यूज करने वाले हैं, तो हमें बार बार उसको डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एरिया नाम यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा हमारी टाइमिंग बच जाएगी। और दूसरा क्या बेनिफिट है, जैसे हम यूज कर रहे हैं काफी बार पाई का ही एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने पाई अपने प्रोग्राम में काफी बार यूज किया है और फिर हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू इनहांस हो या उसमें कुछ चेंज हो, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 रखी है यहाँ के बाद